बस आज रात की मेरी दलाल की बस है, तो मैंने भी अभी जस्ट बस बुक कराई है। तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं वॉर रेमिनेंट्स म्यूज़ियम बोलते हैं इसको। बाकी इतनी सारी कंट्रीज़ का नाम देखने के बाद मुझे लग रहा था इंडिया का कहीं नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अभी जस्ट मुझे इंडिया का भी पोस्टर मिला। वेलकम बैक गाइस। तो आज ही मेरा तीसरा दिन है हो ची मिन्ह सिटी में, और बस आज रात की मेरी दलाल की बस है, तो मैंने भी अभी जस्ट बस बुक कराई है। अराउंड 3,10,000 रुपये लग रहे हैं, रुपए बोल रहा हूँ डोंग लग रहे हैं एक्चुअली, तो अराउंड 1,000 रुपीज़ 1,100 रुपये के आसपास पड़ी है, और 7 घंटे लेगी। तो मैंने रात की बस कराई है अराउंड 12-1 बजे की। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर इधर हूँ, तो हो ची मिन्ह को ही थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आज। बस बुक कर ली है, अब गर्मी बहुत है यहाँ पर, ऑब्वियसली गर्मी है तो बार बार कुछ पीने का मन कर रहा है ठंडा। और यहाँ पे हर नुक्कड़ पे आपको एक दुकान मिल जाएगी ड्रिंक्स की, हर छोटी छोटी 100 मीटर पे एक दुकान ऐसी दिख जाएगी, आपको दिखाता हूँ टाइप की शॉप्स आपको मिल जाएंगी। और हर जगह यहाँ पे आपको मोस्टली लोग रेडबुल ही पीते हुए दिखेंगे, कोक कोई नहीं पीता यहाँ पे। और कुछ इस टाइप की रेडबुल यहाँ मिलती है, ये कलर देखो वाटर कैन का डिफरेंट है एकदम। और आइस तो यहाँ पे ऐसे चलती है जैसे पता नहीं भर भर के आइस डालते सब, भर भर के एकदम। आइस की वजह से थोड़ा सा गला ज़रूर ख़राब हो रहा है, लेकिन अब गर्मी में देख के एकदम टेम्पटिंग लगती है आइस, तो बस पीते रहते हैं। तो चलो मैं एंजॉय करता हूँ थोड़ा, बस निकलते हैं। इसके बाद मैं सीधा म्यूज़ियम पहुँचूँगा, वहाँ पे वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं वॉर रेमिनेंट्स म्यूज़ियम बोलते हैं इसको। तो जब US आर्मी ने यहां पे अटैक किया था, सारा उस टाइम का जितने भी US आर्मी के जो प्लेन्स टैंक्स सब थे वो यहां अभी भी पड़े हैं, तो दिखाना स्टार्ट करता हूं मैं आपको। इसका एंट्री है, अभी एंट्री करते ये बाहर की तरफ आप देखोगे तो ये सारे जो पुराने उस टाइम US आर्मी के टाइम पे जो इनकी जो वॉर हुई थी तो उसका जितना भी लेफ्ट ओवर था वो सारे यहाँ पे पड़े हैं। ये है और कहा जाता है कि काफ़ी ब्रूटल वॉर थी ये, और इस वॉर के अगेंस्ट सब अमेरिका के मतलब अगेंस्ट थे, और जो वियतनाम है वियतनाम को मोस्टली सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट इनके सपोर्ट में ही थी, तो हर जगह इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ था ताकि यहाँ से US आर्मी को खदेड़ा जाए और निकाला जाए यहाँ से। तो अंदर देखते हैं अंदर जाके और इसकी क्या क्या हिस्ट्री की चीज़ें अवेलेबल हैं, मैं आपको साथ के साथ दिखाता रहूँगा। करीब 2 फ्लोर पे ये है पूरा म्यूज़ियम,
तो अभी एंट्री करते ही पहले यहाँ पे एक शॉर्ट कुछ हिस्ट्री और टाइप की कुछ मूवी चलाई है, तो वो देखते हैं पहले एग्जैक्टली क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें। तो वॉर म्यूज़ियम के फ़िलहाल अंदर हूँ मैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसमें इंडिया में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसकी भी फ़ोटो भी मैं दिखाता हूँ। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुए थे, तो इसमें रशिया, म्यांमार, फिनलैंड, USA में, इंडो चाइना, नॉर्वे में हुआ था। तो अभी मैं आपको सारे दिखाता हूँ। मॉस्को का है, बाकी इतनी सारी कंट्रीज़ का नाम देखने के बाद मुझे लग रहा था इंडिया का कहीं नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा था कि इंडिया कैसे सपोर्ट नहीं कर रहा था वियतनाम को उस टाइम पे, तो अभी जस्ट मुझे इंडिया का भी पोस्टर मिला है और इसमें मेंशनड है सारा कुछ। पूरा वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा था तो इंडिया कहाँ पीछे रहने वाला था। मेरे को बाकी सारी कंट्रीज़ के नाम दिखे, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, लेकिन इंडिया का नाम मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था, फाइनली मुझे मिल गया। तो अच्छा लगा अपनी कंट्री का नाम देख के कि इंडिया ने भी सपोर्ट किया था उस टाइम वियतनाम को, क्योंकि इंडिया भी एक पीस लविंग कंट्री तो है, और जब भी ऐसे वॉर वाली सिचुएशन होती है तो इंडिया हमेशा आगे आता है हेल्प करने के लिए। वॉर म्यूज़ियम देख के तो हो गया, अच्छा था, मतलब पता चला वियतनाम की हिस्ट्री के बारे में, कितनी वॉर इन्होंने झेली और कितने प्रॉब्लम्स यहाँ हुए थे उस टाइम पे। काफ़ी ब्रूटल सीन था जो भी था, अच्छा तो नहीं था जो भी, ऑब्वियसली वॉर में किसका ही फ़ायदा होता है, हर एक का नुकसान ही होता है। तो बस यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब देखते हैं बाहर जाके कुछ लंच करेंगे। वैसे तो शाम हो गई है यहाँ पर, तो लंच तो मुश्किल है, अब इवनिंग स्नैक्स में देखते क्या मिलता है। फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद एक जगह मिल गई है मुझे लंच करने के लिए, तो बस अब लंच करने के लिए आया हूँ।
काफ़ी लेट हो गया वैसे, टाइम हो रहा है अराउंड 5:30 हो रहे शाम के। तो चिकन मैंने पूछा इनसे, तो चिकन तो अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, वेज भी कुछ अवेलेबल नहीं है इनके पास, या तो बीफ है या फिर फिश या क्रैब है। तो चिकन फ्राइड राइस वैसे अवेलेबल था लेकिन बस ख़त्म हो चुका है अभी, तो इस वजह से अब मुझे कुछ तो खाना था। तो मैंने अभी फ़िलहाल फ्राइड क्रैब स्प्रिंग रोल ऑर्डर करा है, तो अभी देखते हैं कि कैसा लगता है। आपको दिखाता हूँ इसका, मैं अभी खा के रिव्यू भी देता हूँ, साथ में दिखाता भी हूँ कि कैसा है। पहली बार ट्राई करूँगा कुछ डिफरेंट, मतलब थोड़ा अभी तक मेरे को फील नहीं हो रहा था यहाँ पर वियतनाम में जब से आया हूँ कि कुछ, क्योंकि मेरे को नाम नहीं पता। 80% रेस्टोरेंट जितने भी अभी तक मैंने देखे हैं तो सब में या तो वियतनामीज में लिखा होता है, इंग्लिश में सिर्फ कहीं कहीं पे लिखा होता है, तो इस वजह से काफ़ी डाउट रहता है। अब कल मैं खाने वाला था तो घूम फिर के वो पता चला वो बीफ था, तो इसलिए मैंने नहीं खाया वो। अभी आपको दिखाता हूँ बाकी जो आता है अभी मेरे पास, मैंने ऑर्डर तो कर लिया है यहाँ पर, अब पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। एक्चुअली इंग्लिश में था इनका मेन्यू, एक्चुअल में ये मेन्यू है इनका लोकल, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लिखा होता है, एक मेन्यू उन्होंने इंग्लिश में अलग से बनाया, तो ये अच्छी बात थी, तो इसलिए वजह से मेरे को पता चल गया एटलीस्ट मैं खा क्या रहा हूँ। एक डिज़र्ट भी मैंने ऑर्डर करी थी और अब ये कह रहे हैं कि फ्राइड राइस भी अवेलेबल है, जब तक फ्राइड राइस आएंगे इन्होंने मुझे डिज़र्ट पहले ही ला के दे दी है। ये खा के बताता हूँ मैं कैसा है। इसका नाम है बान फ्लैन करके डिश है, मुझे तो ऑलमोस्ट ये कैरेमल कस्टर्ड लग रहा है, खा के देखता हूँ कैसा है। मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, भूख इतनी लगी थी शूट करना भूल गया मैं, तो मैंने कुछ जो चिकन फ्राइड राइस पहले मना कर रहे थे वो अवेलेबल था, तो अभी चिकन फ्राइड राइस यहाँ पे मतलब साथ में फ्राइड चिकन और साथ में राइस दिया है, और ये कुछ स्पाइसी और स्वीट टाइप की कुछ सॉस है, और ये साथ में वेजिटेबल ब्रॉथ दिया है। तो और ये मेरा डिज़र्ट जो पहले आया था खा के हो चुका खत्म, तो मेरे को अभी तक तो खाना काफ़ी टेस्टी लग रहा है यहाँ पर। बाकी यहाँ पे मेरी एपेटाइट ये तो है कि थोड़ी कम हो गई है। फाइनली गाइस मैं सिटी से अब निकल रहा हूँ, हो ची मिन्ह सिटी में 3 दिन स्पेंड करने के बाद आज मैं निकल रहा हूँ दलात के लिए। दलात जो है वो है माउंटेन सिटी अपना वियतनाम की, और सुनने में भी आया है कि वहाँ अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है और मौसम काफ़ी ठंडा है वहाँ पर, ऑब्वियसली माउंटेन है मौसम थोड़ा ठंडा तो होगा ही। तो अब मैं बस स्टॉप पर वेट कर रहा हूँ, ये पीछे जो बस है यही मेरी बस है, तो यहाँ की स्लीपर एसी बस का मैं आज एक्सपीरियंस लेने वाला हूँ, तो अभी देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस इसमें। अराउंड 6 घंटे की जर्नी है, 6 से 7 घंटे की, तो सुबह अभी भी रात के 1 बज रहे हैं, तो सुबह शायद 7 से 8 के बीच में ऐसे पहुँचा देगी। बाकी बस में बैठ के एक बार आपको दिखाता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है इसका।